हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो त्योहारों का सीज़न ऑलरेडी चालू है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिलीशियस सी फेस्टिवल रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ये डिलीशियस सी कटोरी चाट। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और त्योहारों के टाइम पे जब आप मीठा खा के या फ्राइड खाना खा के थक जाते हैं, दिस वुड बी द बेस्ट टू हैव और आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कटोरी का डो नीड करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे मैदा। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और अब इसमें डाल देंगे हम मोयन। तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें तेल डालूंगी। अगर आपको खस्ता बनानी होती है चीज़ तो आप घी डालते हैं, अगर आपको क्रिस्पी बनानी है तो आप तेल डालते हैं। तो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मोयन को अब इसके अंदर, और हमें इसको रब करना है मैदा के ऊपर, और मैदा का ना एकदम दाना दाना ऐसा हो जाना चाहिए। अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनती है। जब आप सिंपल ऐसे ही तेल डाल के इसको अगर नीड कर देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनेगी, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसका एक स्टिफ सा डो नीड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है और इतना हार्ड भी नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाए और वो फटे। तो एकदम सेमी स्टिफ सा डो हम इसका नीड कर लेंगे सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से। और ये देखिए 2 से 3 मिनट लगे अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद। जब आप मैदा को ऐसे लेंगे ना तो वो ऐसे इकट्ठी होनी चाहिए, उसका ये बॉल बनना चाहिए। ये देखिए तो डो रेडी है, मैदा रेडी है हमारी। अब इसका डो बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से आटा गूंद लेंगे अब इसका। और गूंदने के बाद जब इकट्ठा कर लेंगे तो हमें इसको बाद में भी 2 से 3 मिनट अच्छे से स्ट्रेच करके फिर नीड करना है। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से स्ट्रेच करके थोड़ा सा नीड करेंगे, और देखिए कितना टाइट मैंने लगाया है। अब इसको ऐसे करके 2 से 3 मिनट नीड कर लीजिए, और नीड करने के बाद फिर हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इससे क्या होता है, क्रिस्पीनेस आती है, मतलब ग्लूटेन डेवलप होता है मैदा में और मैदा अच्छे से सेट होती है। तो 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस को करने के बाद इसको एकदम से अच्छे से रोल आउट करेंगे, इकट्ठा करेंगे एक जगह पे बॉल सी बना के, और फिर इसको ढक के रख देंगे एक डैम्प से क्लोथ से, मतलब गीले कपड़े से, और रेस्ट करने देंगे। तो अभी इसको मैं रखती हूँ साइड में और अपनी बाकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मीठी दही रेडी करेंगे। इसमें जो हम चटनियाँ यूज़ करेंगे उसके मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, और साथ में होली के टाइम पे दही पापड़ी का एक वीडियो डाला था, उसके साथ भी मैंने हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों बना के दिखाई हैं। तो सेपरेट वीडियोज़ के लिंक और जो वीडियो दही पापड़ी वाला है वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आप ये देखिए मैंने दही के अंदर थोड़ा सा नमक डाला है और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। आपको जितना मीठा चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेनर में से इसको छान लेंगे ताकि बिल्कुल एक फाइन सा हमारा क्रीमी सा दही निकल के आए। तो दही हमारा एकदम अच्छा स्मूथ टेक्स्चर होना चाहिए। ये देखिए तो दही रेडी है हमारी मीठी, और चटनी का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दिया, आपको मिल जाएगा सेपरेट वीडियोस भी और दही पापड़ी के साथ भी। अभी आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, अब हम इसको बेलेंगे। तो आप चाहें तो एक एक छोटी रोटी भी बेल सकते हैं या फिर एक बड़ी रोटी बेल के और फिर भी उसको कट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अभी चलिए इसको एक मैं बड़ा सा बॉल लेती हूँ और फिर हम इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद इसकी इसको एक साफ प्लेटफॉर्म पे रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी अगर आप रोटी बेल रहे हैं तो उसको आप चकले पे नहीं बेलेंगे, चकला छोटा होता है। प्लेटफॉर्म पे रख के अच्छे से इस पर आटा हमारा क्योंकि टाइट है और मैदा वैसे भी यूजुअली चिपकती नहीं है, हम इसको बिना किसी चीज़ के बेल लेंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा चिपक रहा है तो आप तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से पतली रोटी बेल के, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, पतली रोटी बेल के इसको ऐसे प्रिक कर देंगे फोक से। उससे क्या होता है जब आप इसको सेकेंगे ना तो ये फूलेगी नहीं, और फूलेगी नहीं तो ऑब्वियसली क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद जो हमने बड़ा वाला बर्तन लिया है वो लेंगे, ग्लास से चौड़ा होना चाहिए। जो आप ग्लास ले रहे हैं कटोरी बनाने के लिए हमें ग्लास चाहिए, तो उससे चौड़ा एक बर्तन लेंगे, बड़ा सर्कल बने। और ग्लास को हमने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, सर्कल को उठा के जो हमने किया था उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो कटोरी को अच्छे से हमें चिपका देना है ऐसे,
ये तेल में अपने आप छूट जाएगी, मैदा चिपकती नहीं है, आप तेल में ले जाएंगे तो अपने आप छूट जाएगी, बट उसको अच्छे से एक बार सील कर दीजिए ताकि वो शेप पकड़े तेल के अंदर जाके। और ये देखिए ऐसे करके स्ट्रेच करके ग्लास पे इसको अच्छे से लगा देंगे और एक कटोरी की शेप बन जाएगी इसमें। आप चाहें तो आपको अगर इवन एजेस चाहिए आप इसको कट भी कर सकते हैं कि जो ऊपर से एकदम बराबर साइज निकल के आ जाए। अभी ये रेडी है। तेल लेंगे गरम तेल के अंदर, तेल अच्छा सा गरम हो जाएगा जब फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दीजिए। और उसके बाद ग्लास लेके ये देखिए जब आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ी देर शेप पकड़ने के बाद मैदा अपने आप ग्लास को छोड़ देगी और ग्लास को बाहर निकाल लीजिए। अब इसको अच्छा सा गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो हीट पे। हीट तेज़ नहीं रखनी है वरना क्रिस्पी नहीं होंगे। और फ्लिप करके दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। ये देखिए अच्छे से कटोरी हमारी बन के आएगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं बट आटे से वो टेक्सचर नहीं आता मैदा का जो आता है क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए कलर कितना सुंदर आया और हमारी कटोरियाँ रेडी हैं। ऐसे करके सारे डो की हम कटोरियाँ रेडी कर लेंगे और उसके बाद बस हमारी चाट ऑलमोस्ट रेडी है। बाकी प्रिपरेशंस मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी सारी कटोरियाँ रेडी हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ और बहुत क्रिस्पी बनी है। अब इसको रखते हैं साइड में और असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको असेंबल के लिए क्या यूज़ करें वो दिखा दूंगी। मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, बॉइल्ड मूंग लिया है, फाइनली चॉप्ड प्याज लिया है, टमाटर लिया है, चाट मसाला लिया है, कुछ सेव लिया है थोड़ी सी, आपके पास 0 नंबर है आप वो ले सकते हैं, हरी चटनी और हमारी मीठी दही थी और साथ में ये है मीठी चटनी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारी मीठी दही, अब चलिए असेंबल कर लेते हैं। तो ये हमारी कटोरी, इसके अंदर हम सारी चीज़ों का एक एक इवन लेयर करके लगा देंगे। तो सबसे पहले बॉईल किया हुआ मूंग, उसके बाद बॉईल पोटैटो डाइसेस, थोड़ा सा प्याज टमाटर, वो आपकी चॉइस है जोन सी चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। आप मूंग की जगह बॉइल्ड छोले या फिर मटर, सफ़ेद मटर या हरी मटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो जो आपका टेस्ट है, आपको जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल और वो चीज़ है कि आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी अपनी मीठी दही, स्प्रिंकल कीजिए चाट मसाला, हरी चटनी, मीठी चटनी, सेव, और बहुत डिलीशियस बनती है ये चाट। आई एम टेलिंग यू आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दिवाली के बाद स्पेशली, या दिवाली वाले दिन जब आप त्यौहार पे खाना खाते हैं ना फ्राइड वगैरह, तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में एक दिवाली स्पेशल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू गाइस सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।